पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, आपके दिमाग का आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर कंट्रोल नहीं रहता है, या कहें कि कंट्रोल खो सा जाता है। फॉर्सिस नन्ने बीमारी एक न्यूरोडिजनेटिव डिसऑर्डर है जो कि हमारे दिमाग के उस हिस्से को निशाना बनाती है जो हमारे शरीर हो ये बताता है कि कोई काम कैसे करना है, लेकिन इस चीज के लिए दिमाग सक्षम नहीं रहता है। हर साल 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इस उद्देश्य से ताकि पार्किंसन डिजीज के बारे में सामान्य लोगों में जन जागरूकता फैले। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अधिकांश केसेस में यद्यपि मरीज को पार्किंसन डिजीज होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि यह उम्र के साथ होने वाली समस्या है और इसका इलाज नहीं हो पाता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़े अपने परिवार में या पास पड़ोस में जिसके हाथों में कंपन हो रहा हो, या जिसकी आवाज धीमी हो गई हो, मोनोटोनस हो गई हो, जिसके चेहरे की भाव भंगिमाएं कम हो गई हो और उसे हर काम को करने में अधिक समय लग रहा हो, जैसे कपड़ा पहनने में, खाना खाने में और नहाने में और चलने में काफी धीमापन आ गया हो, उसकी उसकी चाल ऐसी हो गई हो जैसे छोटे बच्चे की होती है, बेबी स्टेप्स हो गए हो, या उसकी चाल अचानक से बढ़ जाती हो, दौड़ने जैसी हो जाती हो और गिर पड़ता हो व्यक्ति, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके परिजन में दिखाई पड़ रही हो तो आपको एक बार जरूर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यह पार्किंसन डिजीज के लक्षण है, और अगर ये शंका अधिक गहरी हो तो तुरंत ही ऐसे व्यक्ति को न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए ताकि इस बीमारी का सही उपचार हो सके, निदान हो सके, क्योंकि इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में आज काफी हद तक संभव है।